हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मक्के की पूड़ी, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू देखिए, करते मैंने हैं। एक बड़ा बाउल लिया है। इसमें मैं 3 कप मक्के का आटा लूँगी, तो 1 कप ये है और 2 कप ये है। अजवाइन लेंगे हम 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम नमक लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने गर्म पानी लिया है गिलास में, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम एक डो बना लेंगे। मक्के का आटा है तो इसमें आप गर्म पानी ज़रूर यूज कीजिएगा। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लिया है। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लिया है। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हमको हाई टू मीडियम फ्लेम में हमको पूड़ियाँ बनाना है, तो हाथों में हम पानी लगा लेंगे और लोई लेकर के इस तरह से हम इस तरह से दबा करके और छोटी छोटी हम मक्के की पूड़ियाँ बनाएंगे। इस तरह हम छोड़ते जाएंगे ऑयल में। तो ये दूसरी भी हमने बना लिया है। किस तरह से मैं सभी तो बना इन्हें हम लूँ। पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम क्रिस्पी होने तक इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गई हैं। ये देखिए, अब इनको हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है। हमारी मक्के की पूड़ियाँ बनके तैयार हैं और सरसों का साग बटर के साथ तैयार है। तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मक्के की पूड़ियाँ हमारी कैसे बनी बनके हैं। तैयार है हमारी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी है हमारी मक्के की पूड़ी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।